नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आज हम करने वाले हैं जावा के ऊपर बात और हिमालयन का कंपैरिजन। पर यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके थे तो कुछ अपने भाई लोग मिले हैं। अपना एक बार नाम बता दिए। शिवम त्यागी। छत्रपाल सिंह राणा। निपान सुभाषी। सर्वेंद्र गुजर। और ये अपने जावा वाले भैया फुटलूस देव। तो इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, अल्टीमेट चैनल है, जो बाइक से रिलेटेड है। और तो भाई लोग, आप कहाँ से आ रहे थे? हम नैनीताल। तो कैसा लगा अपना नैनीताल में? बहुत बढ़िया। मौसम कैसा है? बहुत बढ़िया। यहाँ इस टाइम मतलब दिल्ली में रहेंगे ना तो गर्मी के हमारे आपके दुआ के लगेगी, पर अभी यहाँ पर देखिए ठंडे का कितना मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है ना? तो भाई लोग मजे ले रहे हैं पूरे ठंडे के। आप भी आ सकते हैं नैनीताल इस टाइम, क्योंकि ये वीकेंड है, इस वीकेंड का मजा जरूर लेना चाहिए। थैंक यू भाई लोगों। तो चलिए अब बात करते हैं जावा के बारे में और अपने हिमालयन के बारे में। क्या दोनों का कंपैरिजन कैसा है? क्या गाड़ी कौन सी आपके लिए बढ़िया है? लास्ट में लेकिन बताएंगे जरूर कौन सी पसंद आई। फिलहाल एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सी ज़्यादा बेटर है या कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं जावा के बारे में, और जावा जिसने चलाई है उससे बेटर कौन जान सकता है उसके बारे में। तो भैया बताइए कुछ कि आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है जावा को लेके वो कैसा है? बड़ा मज़ेदार यार। मतलब मेन तो इसका वो ये क्रूजिंग वाला जो चीज़ है, तो मैं इसको दिल्ली से जब यहाँ तक लेके आया करीब 250 किलोमीटर चलाई। okay. कुछ हीटिंग इशू नहीं लगा मेरे को, वाइब्रेशन तो इसमें है ही नहीं। इफ़ यू कंपेयर इट विद रॉयल एनफील्ड वो क्लासिक 350 वाला ना। ओके okay. तो रियर व्यू मिरर उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोज ही बनाई अपने यूट्यूब पर। ठीक। तो वाइब्रेशन तो है नहीं, मतलब 80 तक अगर आप क्रूज कर रहे हो तो परफेक्ट परफेक्ट बाइक है। अभी पहाड़ों पर फर्स्ट टाइम लेके जा रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कैसी एवरेज देगी, क्या होगी, अब हिल में कितना परेशान करेगी। ठीक है। तो वो सब चीज़ सही है। एक मेरे को फ्यूल गोच थोड़ा परेशान कर रहा है, कभी जीरो पहुंच जाता है कभी फुल दिखाता है, तो वो थोड़ा सा डाइसी हो रहा है। तो ये फ्यूल गोच तो वो लेकिन छोटा सा इशू है। ओके okay. उसका देखा जाएगा। एक हाँ नेगेटिव मैं बता दूं, अगर कोई जावा खरीदने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है उस बारे में, तो प्लीज़ इसकी सीट पर एटलीस्ट इतना मोटा कुशन लगवा के आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो एक वो चीज़ है बस, बाकी परफेक्ट मोटरबाइक है। और जावा होगी तो लोग रुकते रहेंगे, आपसे पूछते रहेंगे कैसी है, वो एक अल्टीमेट मजा आता है। वो एक अल्टीमेट है ना। अच्छा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। या बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा क्रिएटिव लगता है कि मजा आ रहा है, गाड़ी ले रखी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको कितने की पड़ी थी ये? यार जो उसका एक्स शोरूम है वो है आई थिंक 155 कुछ ऐसा है अप्रोक्सीमेटली, प्लस माइनस 2-4। तो मेरे को पड़ी डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। हाँ कौन सी स्टेट है। तो मेरे को पड़ी 180,000 ऑन रोड, जिसमें 5 साल की जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। अगर आप थर्ड पार्टी लोगे तो 170 पड़ेगी। तो हरियाणा रजिस्ट्रेशन, 5 ईयर्स, जीरो डेप्थ, 180,000। ओके। दूसरी बात, माइलेज कितना निकालती है? ये हर किसी के अंदर या माइंड के अंदर होता है, फिलहाल पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास खुद रॉयल एनफील्ड है कि गाड़ी चलाने वाला माइलेज नहीं देखता है। फिर भी लोगों का माइंड के अंदर एक सेट रहता है कि यार एवरेज कितना निकालती है। तो फर्स्ट टेस्ट मैंने किया था जब मेरी मोटर बाइक की रीडिंग थी अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर के आसपास, मतलब फर्स्ट सर्विस से पहले, तो उसमें मेरे को मिली थी 34 का माइलेज। जो वीडियो भी बनाई मैंने उसके ऊपर। वीडियो बनाई, इसका मतलब आप यूट्यूबर हैं? यूट्यूबर हैं ऑफ कोर्स, सब्सक्राइब करो फुटलूस देव, ये नीचे आ रहा है फुटलूस देव मतलब आप लोग देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ सीधे साइट में आई बटन में भाई के चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो उसके अलावा दूसरा मैंने एक और टेस्ट किया। ओके। जो फर्स्ट सर्विस के बाद था, तो उसमें मेरे को 41 की एवरेज मिली। 41 का एवरेज, तो इम्प्रेसिव, मतलब मैं खुश हूँ। ओके। एंड और दूसरा जो इसका कुछ टायर को लेके? यार टायर आई डोंट नो, मतलब फिलहाल तो ग्रिप ठीक है क्योंकि एकदम नई मोटर बाइक है। थोड़ा MRF के टायर हैं तो बोल नहीं सकता, MRF मुझे मतलब पर्सनली पसंद नहीं है। ओके okay. तो मतलब हर किसी की अपनी चॉइस है, जरूरी नहीं है कि ये खराब है, मतलब आपको पसंद नहीं है। पर्सनली मुझे पसंद नहीं आते, मतलब कि जैसे पहले मोटर बाइक थी तो मैं MRF के कभी नहीं लेता। C8 के लो या मिशिगन उसके लो, वो जबरदस्त है। तो लेकिन हाँ फिलहाल ठीक है, ग्रिप टायर वैसे भी नए हैं तो कह नहीं सकते, कोई दिक्कत आई नहीं है। और कार्बोरेटर नहीं है, फ्यूल इंजेक्शन है, उसके अलावा यहाँ पे आपका रेडिएटर है तो कूलेंट डलता है, तो हीटिंग इशू भी नहीं आना चाहिए। ओके। और BS6 वेरिएंट है, मतलब BS5 नहीं आएगा, सीधे BS6 ही इसके अंदर जब तक का काम करेगी। हाँ, 6 गियर हैं, हॉर्स पावर काफ़ी सही है, 293 cc, इंजन साइज कम है लेकिन हॉर्स पावर काफ़ी ज़्यादा दी है, तो क्विक एक्सेलरेशन और वो सब। ओके। और फ्रंट और रियर, मतलब डुअल चैनल ABS दोनों में आती है, पर मैंने सिर्फ फ्रंट। आपने सिंगल चैनल ABS लिया है? एक वैसे ही मैं काफ़ी स्लो राइडर हूँ, मुझे काफ़ी स्लो राइडर हूँ तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे ख्याल से मुझे सिंगल चैनल में काम चल जाएगा। थोड़ी डिलीवरी लेट होने वाली थी इसकी डुअल चैनल वाली, ओके, थॉट की सिंगल चैनल ले लेते हैं, तो कुछ मॉडिफिकेशन करा दिया ऑलरेडी,
बाहर डिजाइन की लाइट्स लगवा ली हैं, बाग बस्टर्स के लगवा लिए हैं, कुछ सैडल बैग्स अच्छे इंप्रेसिव वाले खरीदे हैं और टोटली इक्विप्ड है लेह लद्दाख और पहाड़ों की सैर के लिए। बाइक को तैयार कर दिया है, बाइक को तैयार कर दी थोड़ी बहुत, बस नंबर भी अभी फिलहाल टेम्परेरी लेके घूम रहा हूँ, अभी नंबर बिल्कुल आया नहीं है, आ जाएगा। बट हाँ, आई मीन आई एम पर्सनली सुपर 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 हैप्पी। मैं हिमालयन लेने की सोच रहा था, हिमालयन का काफ़ी मूड बन गया था इनफैक्ट मुझे, क्योंकि ऑफ कोर्स इफ यू आर राइडिंग इन द माउंटेंस तो हिमालय जैसी बाइक और कोई है नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा नई मोटर बाइक है, नई कंपनी आई है और मेरे फादर के पास बैक इन द डेज ही वांटेड जावा थी पहले से, लेगेसी मैंने कहा घर में बिल्कुल वापस लेके आना बनता ही है, वो सब चीज़ है। ठीक है, अब बात करेंगे आप अपना हिमालयन को लेके कि आपको मतलब हिमालयन से कितना सेटिस्फेक्शन, मतलब जावा से कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है और आपकी चॉइस है हिमालयन को लेके। ऑफ कोर्स, मतलब अगर आप उसकी बात कर रहे हो पहाड़ों में स्पेशली और ऑफ रोड, थोड़ा सा आप उस हिसाब के राइडर हो फास्ट, मतलब आप इसको स्पीड वो सब कंपेयर नहीं कर सकते कि फास्ट मतलब मैक्सिमम कितनी जाती है, लेकिन आपको क्रूज़ करना है और माउंटेन्स में आपको ऑफ रोडिंग और वो सब करनी है तो ऑफ कोर्स हिमालयन मज़ेदार, या फिर रॉयल एनफील्ड की जो इंटरसेप्टर आई है वो मैंने उसकी डेमो लिया, वेरी इंप्रेसिव, बट वो अलग क्लास में चली गई, 650 है ना, थोड़ी काफी ज्यादा हैवी हो, बिल्कुल, बट स्टिल आई मीन आई एम सुपर हैवी, हिमालयन भी है मजेदार। चलिए एक बार आप दिखाइए कि आपको दोनों में से हाइट के मामले में कौन सी गाड़ी बेटर है, या हिमालयन का जो फर्स्ट लुक देखता है इंसान कहता है इतनी ऊंची बाइक है, और आपको भी आपने बोला था यार अगर बैठ के मैं एक चीज चलो बताता हूं हल्का सा कि जो हिमालयन और रॉयल एनफील्ड की जो मतलब बुलेट बीच है ना, तो मेरी हाइट है 5 feet 7 inches, ओके, तो मेरा कई बार हिमालयन में फिर भी लगता है, लेकिन जो क्लासिक 350 है ना उसमें मेरे सिर्फ टोज लगते हैं नीचे, तो अगर मैं यू टर्न ले रहा हूँ कहीं पे तो एकदम मतलब चांस बनता है कि आप शायद गिर सकते हैं या बैलेंस नहीं बन सकता, नहीं गिरता तो नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा यू टर्न लंबा हो जाता है तो, लेकिन जावा में मेरे को क्या चीज़ सही लगी, इसकी सीट हाइट इफ यू आर अराउंड 5 feet 7 5 feet 8 तो परफेक्ट परफेक्ट सिटिंग पोस्चर, तो अभी डबल स्टैंड पे खड़ी है उसके बाद भी आराम से आ रहा है, तो बहुत इजी मतलब मैन्यूवरिंग और वो सब, तो अगर आप सिटी में चला रहे हो तो जावा मतलब ऑलराउंडर आई वुड से कि इसको आप ऑफ कोर्स टूरिंग में तो यूज़ कर ही सकते हो बट सिटी के लिए भी बहुत परफेक्ट है। तो भैया अगर आप एक नज़र में बोलें दोनों में कंपैरिजन करें बाइक में तो एक बार हमारी ऑडियंस को, तो ऑफ कोर्स बिकॉज आई ओन अ जावा, जावा ओनर होने के नाते जावा की तरफ थोड़ा मैं झुका हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बट अगर दोनों का मेरे ख्याल से दोनों एक अलग सेगमेंट की बाइक है, रॉयल एनफील्ड ज़्यादा ऑफ रोडिंग और हिमालयस के लिए बनी है, ये वाली इसको आप सिटी में चलाओ और थोड़ा बहुत हिमालयस में वेयर रोड्स आर परफेक्ट, ये मतलब आई वॉन्ट से कि ऑफ रोडिंग क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जस्ट लाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को लोग ऑफ रोडिंग में यूज़ करते हैं बट मेरे हिसाब से वो ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है, उसकी वो कम है सस्पेंशन उस हिसाब का नहीं है, तो ये उस वाली सेगमेंट में है। अगर बाकी चीज़ों की वो करें तो ऑफकोर्स दिस वन इज़ चीपर, आई थिंक कुछ 40-50 हज़ार 60 हज़ार इसकी वैल्यू जो है शोरूम प्राइस वो कम है, उसके अलावा इसकी एवरेज अराउंड 40 है, आई एम नॉट श्योर रॉयल एनफील्ड की कितनी आती है, 26-27 कुछ ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, तो उतनी उसके अलावा इंजन साइज़ की बात करें तो दिस इज़ 293 cc, तो ऑलमोस्ट 300 cc, ये ऑलमोस्ट 400 cc, उसके अलावा 28 cc है इसका, आप देख लेना जितना भी गूगल यहाँ लिखा आ जाएगा, यहाँ लिखा आ जाएगा, तो बस ये सब चीज़ें हैं। व्हील साइज़ ऑफ कोर्स इसका ज़्यादा है क्योंकि ऑफ रोडिंग वाली बाइक है, तो ये ज़्यादा, ये थोड़ी स्क्रैम्बलर वाले उसमें कैटेगरी में मैं इसको गिनता हूँ पर्सनली, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, इसका एग्जॉस्ट थोड़ा ऊंचा है तो स्क्रैम्बलर वाली वो है मोनो शॉक है उसमें, वो जो है वो थोड़ी सी क्रूज वाली फील में आती है, तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं दोनों बाइक में से। आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे हिमालयन लूँ या जावा लूँ, दैट कैन नॉट हैपन, आप सोचो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लूँ या जावा लूँ, या फिर हिमालयन लूँ या फिर कौन सी जावा या हिमालयन में से कोई सा भी करना जो आपको पसंद है। नहीं मैं लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि इसमें तो आप वो कर सकते हो कि या तो रॉयल एनफील्ड या जावा, हिमालयन के साथ आप जावा को कंपेयर नहीं कर सकते, जो हिमालयन वाली कैटेगरी है सेगमेंट है वो दूसरा सेगमेंट है, ये ऑफ रोडिंग वाली सेगमेंट है, लाइक बड़ा सस्पेंशन शॉक वो सब। अगर आपको इससे इसको कंपेयर करना है तो सीधे ट्रायम्फ को ही ले सकते हैं,
आई वुड से हाँ ट्रायम्फ, क्योंकि मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये जो करता है टक्कर, हाँ हाँ मतलब कि ये ट्रायम्फ की टाइगर को देता है, बहन हो गई हाँ, मतलब टाइगर को कर सकती है, इंडियन जिसको इंडियन कंपनी को ही पैसे देने हैं गो फॉर इट बिल्कुल हमारा पैसा हमारे पास ही है ना, इंडिया पैसा इंडिया में बिल्कुल बिल्कुल नहीं बहुत जबरदस्त बाइक है मतलब I would have certainly purchased it. तो फाइनली अगर मतलब आप अगर किसी को सजेस्ट करेंगे जावा और हिमालयंस को लेके, तो वो कौन सी बाइक आपकी नजर में यार, मैं जो अपना खुद का ऑफिन खुद का पर्सनली देखो उसमें मैं ये दोनों को फिर से कंपेयर नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता ये ले लो या ये ले लो, अगर आपका यूज सिटी में चलाना है और थोड़ी बहुत माउंटेन करनी है तो फिर जावा ऑफ कोर्स, क्योंकि सिटी में इसकी मैनूवरिंग बहुत इजी है, रॉयल एनफील्ड हिमालयन को आप सिटी में नहीं चला सकते, बहुत मुश्किल है इसकी टर्निंग और वो सब, तो सर्टली डोंट बाय दिस, बाय दिस वन। उसके अलावा लेकिन अगर आपको ज़्यादा हिमालयस में घूमना है, ऑफ रोडिंग करनी है, डोंट बाय दिस, बाय दिस। ठीक है, अब फाइनली एक सवाल और, अगर आपको मतलब जावा की सर्विस के बारे में जानना है, क्या क्या कॉस्ट आती है, तो भाई के चैनल पे जाओ, वहाँ टच में रहोगे तो इसके बारे में ज़्यादा जान पाओगे, और आपको सिर्फ रॉयल एनफील्ड को लेके जानना है तो अपने भाई के चैनल पर आओ, यही जमे रहो, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था और मेरे ख्याल से काफ़ी फनी और बढ़िया एंटरटेनिंग रहा, और अच्छा लगा भैया से मिलके, अगर मतलब आपका प्यार भी बता देते हैं कि कैसे हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोड में मैं खड़ा हुआ था, नहीं कुछ शायद ऐसे वो था, आप एकदम से आए ये एक और कैमरा लगा के खड़ा है। एक्चुअली में मुझे लगा कि भाई ब्लॉगर लगता है, भाई लगता है कि ब्लॉगर है, तो एक खुद का हार्ट टच होता है ना कि यार एक ब्लॉगर से नहीं मिलेगा तो क्या रहेगा, तो अब मैंने रोकी भाई से मिला, और भाई देखो अभी देखो ऐसा लगता है कि कितने पुराने फ्रेंड हैं। तो अगर आपको पसंद आता है वीडियो और आप चाहते हैं लाइफ में फ्यूचर में आगे हम वीडियो बनाएं या आपस में और एक बड़ा कोलैब करें, तो वीडियो को लाइक करिए, भाई के चैनल पर जाइए, अपने चैनल को भी लाइक और शेयर करिए, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।